उत्तराखंड सरकार दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की कार्य योजना पर बात की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक युवा राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहां उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार इस समिट के माध्यम से निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देगी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है और पहले से राज्य में संचालित उद्योग भी अपने कारोबार के विस्तार के लिए तैयार है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ा अवसर है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं, उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा।